हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम ऐसी जगह पे आ चुके हैं दोस्तों, जहाँ पे कुछ साल पहले लोग आते नहीं थे। बहुत डरावनी रोड थी जहाँ पे। तो आज हमारे साथ आए हैं, देखिए ये राहुल भैया हैं, इनका भी नया चैनल है। तो गाइस इनका चैनल सब्सक्राइब करिए। और मेरे साथ मेरा बेस्ट फ्रेंड आ चुका है, जिसको मैं क्लोज मानता हूँ। 3 साल से मेरा इसका कुछ है अलग सिस्टम ही भाई, कुछ बता नहीं सकते। तो ये रोड अभी चलने लगी है, जब से मेरे यहाँ का ओवरब्रिज काम हुआ है। तो वो वाली रोड बंद कर दी गई थी, तब से काफ़ी रोड चलने लगी, मगर अब ये फिर ऑफ हो गई है। अब लोग बाग यहाँ पे टहलने आते हैं, और सुबह जो बाइस हैं वो रनिंग पे करने आते हैं यहाँ पे इस रोड पे। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सुनसान जगह है यहाँ पे, खेती बाड़ी होती है यहाँ पे। ये देखिए स्टेशन का मामला, वो देखो आपको लाइट दिख रही होगी। तो यही करीब में समय हो रहा है, 6:06 हो रहा है। मैं अभी ब्लॉग बनाने आ पाया हूँ, क्योंकि भैया जो थे ऑनर हैं, जो मालिक हैं चैनल के भाई, इन्होंने मैसेज नहीं रिसीव किया हमारा, इसलिए आप देख सकते हैं। तो हाँ, अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं अपने सफर की तरफ। वालों आओ, नहीं तो माया में यार। अब देखिए भाई बोल रहे हैं, जब इन्होंने मैसेज किया तो मेरे वाले मैसेज ही नहीं आ रहा, रिप्लाई क्या दें यार। हाँ तो देखिए ये कैसी एकदम जंगली टाइप की जगह है। यहाँ पे पहले कुछ सालों पहले कोई आता नहीं था यहाँ पे। आप राहुल भैया से खुद पूछ ली, इसलिए मैं इनको लेके आया हूँ। राहुल भैया, यहाँ पे कोई आता था पहले कुछ सालों पहले? कोई नहीं आता था। काफी डरावना यहाँ का व्यू बहुत सा, देखो पहले। अब तब भी लोग बाग टहलने आने लगे यहाँ पे। हाँ तो आप देखो इनसे ही पूछ सकते हो। लेट आ पाए हैं यार, काफी लेट हो गए। हम देखो कल से सही ब्लॉग आएगा। वो जगह पे हम आ चुके हैं जो काफी डरावनी जगह। तो आप देख सकते हैं यहाँ का बैकग्राउंड, देखिए कितनी मतलब खतरनाक जगह है यहाँ पे, कितनी सुनसान जगह। और देखिए जो पता टाइप का खड़ा है, इनकी आवाज़ सन्न सन की आती रहती है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये देखिए कितना घना टाइप का, यहाँ पे कोई नहीं आता था पहले कुछ सालों पहले। अब ये रोड काफ़ी चलने लगी है अभी फिलहाल। मैंने आपको बताया कि जब से मेरा ओवरब्रिज बनना चालू हुआ था काम। आए कहाँ पे ये बताओ पहले? ये अभी हम लोग आ चुके हैं नासा सेड़ा वाली रोड, जिसको बोलते हैं। यहाँ से हम लोग खमैला भी जा सकते हैं, और अंडरग्राउंड है इस बार। अब देख सकते हैं यहाँ का भी, अब देखो बाइक भी आ रही है यहाँ से। अब देखो निकल रही बाइक, तो देखो अब काफ़ी चलने लगी है रोड जब से ओवरब्रिज का काम चालू हुआ है। और यहाँ पे काफ़ी घटनाएं हो चुकी हैं, तो मैं इम्प्रूव नहीं करना चाहता हूँ भाई। देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेन भी निकलती है। देखिए मैंने बताया स्टेशन है यहाँ पे, ये देखिए ट्रेन निकल रही है। देखिए कैसी झंझनाहट है पतारों की, आप सुन सकते हैं। देखिए सन्न सन्न की आवाज़ आ भी रही होगी, कैसे हल रहे हैं यहाँ पे। बस इसीलिए लोग बाग नहीं आते, और रात में तो ये रोड बिल्कुल ऑफ हो जाती है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये कारण है कि यहाँ पे लोग कट जाते हैं, तो जिसके कारण यहाँ पे उन्हें निगेटिविटी ज़्यादा महसूस होने की मिलती है। तो आप सुन सकते हैं मेरे साथ, मैंने फ्लैश जला ली, काफ़ी रात हो गई थी इसलिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भैया आ रहे सामने टहल के, ये देखिए आप। तो गाइस हम आ चुके हैं बम्बा की पुलिया, जिसको बोलते हैं। मैं सुबह यहीं पे आता हूँ रनिंग करने। तो आप देख सकते हैं पहले हम लोग बम्बा अनाते थे, मगर अब नहीं अनाते हैं। अब मुझे लोगों को पता चल चुका कि किस लिए बम्बा नहीं अनाना चाहिए। ये देखिए मेरी टीममेट खड़ी हो चुकी है, देखिए यहाँ पे काफ़ी लोगों के साथ घटना भी हो चुकी है, काफ़ी लोग डूब जाते पानी में, इसलिए हम लोग नहीं अनाते हैं। तो देखिए ट्रेन जा रही है यहाँ से, आप देख सकते हैं इधर का व्यू भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं सुबह रनिंग पर आता हूँ भाई, तो काफ़ी शाम हो चुकी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो गाइस देखिए एक गांव दिख रहा है, इसका नाम है नासा सेड़ा, इसी नाम पे रोड है प्रसिद्ध। और यहाँ जो ये रोड गई है, गई है गांधी विद्यालय स्कूल की रोड गई है ये आप देख सकते हैं, गांधी विद्यालय की ये रोड गई हुई है। उधर सिस्टम और जुड़ रहा है। सो गाइस ये लोग देखो अंधेरे में मस्ती कर रहे हैं, अंकल जी को अभी उन्होंने परेशान किया। और अब ये ओवरब्रिज, हम लोग ओवरब्रिज के नीचे आ चुके हैं अंडरग्राउंड। तो यही रोड काफी चलती थी, आप देख सकते हैं कितना सुनसान माहौल है, लग रहा है कि जैसे। गाइस मैं अभी बाल बाल बच गया, एक अंकल आए साइकिल से, मैं वहाँ पे देख नहीं रहा था, मैं ब्लॉग शूट करने में व्यस्त था, बिजी था आई मीन। तो वो आए जस्ट बगल में साइकिल जा, उन्होंने ब्रेक लगा लिया तो मैं बच गया भाई। बहुत फनी वीडियो उस टाइम का, बहुत फनी शॉर्ट बन गया था, मैं आपको कुछ बता नहीं सकता हूँ। तो काफ़ी रात हो गई है, आप देख सकते हैं। तो मैं घर की तरफ अब चलता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ का ये है गांव, रेलवे स्टेशन का। इस गांव का नाम है नासर सेड़ा, यही गांव है आप देख सकते हैं, मैं यहीं पे आया था। तो मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।